हेलो फ्रेंड्स, संजय गुप्ता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक मॉडल पेपर लेकर के हाजिर हुए हैं आज। और 19 तारीख की परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। 60 क्वेश्चन है इसमें, 60 ही मिनट हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट किए हैं और कुछ क्वेश्चन नए हैं। कुछ क्वेश्चन टफ लगेंगे आपको, तो हर तरह के क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हैं। और अभी तक बहुत सारे बच्चों ने बेल आइकन नहीं दबाया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे और ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने का हमारा हौसला बना रहे। और अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो 4-5 दिन और हैं अपने पास में, और समय निकाल करके और अच्छे वीडियो बनाएंगे। और सोच रखा है कि 10 मॉडल पेपर बनाने का विचार बना रखा है, लेकिन आप यदि इतना ठंडा रिस्पॉन्स देंगे तो फिर 1-2 वीडियो ही और बन पाएंगे। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्सक्राइब कर लें। तो आज का शुरू करते हैं लेसन। पहला क्वेश्चन लिया है कि गांधी जी के और दादाजी का क्या नाम था। तो गांधी जी के दादाजी का नाम इसमें अपने को बताना है, नेमीचंद, करमचंद, उत्तम चंद, माधव। तो हमने पढ़ा था कि गांधी जी के दादाजी का नाम उत्तम उत्तम बाई उत्तम दा, तो उत्तम चंद इसका आंसर हो जाएगा। बैरिस्टर की परीक्षा में कुल कितने सत्र होते हैं। गांधी जी 3 साल के लिए विलायत गए थे, हमें जानते हैं, और 3 साल के अंदर उन्होंने कुल 12 सत्र जो है परीक्षा दी थी। तो इस हिसाब से 1 साल में 4 सत्र होते हैं और कुल 12 सत्र हो गए 3 सालों में। गांधी जी ने विलायत में बैरिस्टर की डिग्री के दौरान कौन कौन सी भाषाएं सीखी। तो बैरिस्टर में फ्रेंच चलती थी, लैटिन उन्होंने मैट्रिकुलेशन के दौरान सीख ली। तो विलायत में उन्होंने फ्रेंच और लैटिन दोनों ही भाषाएं सीखी थी, तो आंसर हो जाएगा दोनों। उसके बाद में पेरिस में गांधी जी गए थे एक महाप्रदर्शनी में घूमने के लिए, और गांधी जी को वहाँ पर क्या क्या रुचिकर लगा। एफिल टावर, एफिल टावर के बारे में कई सारी बातें अपन ने कर ली थी। 3-4 बार गांधी जी गए, वहाँ पे खाना खाया, और वहाँ पे लियो टॉलस्टॉय का कथन भी हमने देखा कि एफिल टावर जो है ज्ञान की नहीं बल्कि मूर्खता की अभिव्यक्ति है। कुमारी मरियम की मूर्ति करुणा में और गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। तो एफिल टावर, पेरिस के गिरजाघर, पेरिस के गिरजाघर की बजाय नोत्रदम के गिरजाघर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो नोत्रदम उस जगह का नाम है, पेरिस के गिरजाघर को नोत्रदम के गिरजाघर। वहाँ की शांति ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया, कुमारी मरियम की करुणा ने। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में आगे चलते हैं। विलायत से घर लौटने पर गांधी जी को क्या दुखद समाचार मिला। भाई की मृत्यु का, गलत ऑप्शन। पिता की मृत्यु का, पिताजी पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। पुत्र, एक पुत्र, पहला पुत्र जाने से पहले एक्सपायर हो चुका था, 3-4 दिन जीवित रहा था। तो माताजी की मृत्यु का समाचार मिला उनको, और माताजी की मृत्यु काफ़ी दिन पहले ही हो चुकी थी, उनको संदेशा भेजा नहीं गया। इसके बाद में भारत लौटने पर गांधी जी ने अपनी वकालत कहाँ से शुरू की। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, राजकोट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजकोट। उन्होंने हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराया और अपनी वकालत वहाँ से शुरू की। हालांकि उनकी वकालत वहाँ पे चली नहीं, एक ही मुकदमा लड़ा उन्होंने और उसके बाद में वो राजकोट आ गए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मुंबई का शेर, तो बम्बई का शेर या मुंबई का शेर किसका उपनाम था। तो शेर जो लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं वकील, तो तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी बुजुर्ग आदमी थे, ये बम्बई के शेर नहीं थे। फिरोज शाह मेहता बहुत ही तेज तर्रार वकील थे, और यही सही ऑप्शन है कि बम्बई के शेर के नाम से बम्बई का बादशाह, बम्बई का शेर। और एक इनको ये भी कहा जाता है कि धारा सभा में दहाड़ने वाला व्यक्ति जो था वो फिरोज शाह
मेहता थे। गांधी जी ने अपना पहला मुकदमा किसका लड़ा? तो गांधी जी ने अपना पहला मुकदमा जो है इनको स्मॉल कोज अदालत में मिला था, और ये मम्मी बाई का मुकदमा था, इनकी पैरवी करनी थी। इसके लिए उन्हें 30 रुपये मिले, लेकिन ये जब इनको जीरे के लिए बुलाया गया तो ये कांपने लग गए, और इन्होंने कहा कि मैं अपना पक्ष नहीं रख सकता, और इन्होंने 51 रुपये दे करके मुकदमा पटेल को सौंप दिया। यानी 30 रुपये इनको मिले थे और 51 रुपये इनको देने पड़े। फिर गांधी जी ने अंग्रेजी का अध्यापक बनने की सोची, तो गांधी जी को अंग्रेजी का अध्यापक क्यों नहीं चुना गया? एमए पास नहीं थे, बीए पास नहीं थे, बीएड नहीं थे, अंग्रेजी नहीं बोलते थे, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कि बीए पास नहीं थे, और वहाँ पर इंटरव्यू में इनको इसीलिए बाहर कर दिया गया। इन्होंने कहा कि मैंने लंदन मेट्रिकुलेशन कर रखी है, तो उन्होंने कहा हमें तो बीए चाहिए। दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए गांधी जी को किस फर्म से निमंत्रण मिला था? तो हमने पढ़ा ये फर्म थी मेमन फर्म। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन रखे हैं मैंने शुरू शुरू में आपका हौसला बढ़ाने के लिए कि आपकी तैयारी सही चल रही है। गिरमिट एक अर्थ, गिरमिट का अर्थ क्या है? गिरमिट एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ नाम था। गिरमिट और एग्रीमेंट को हिंदी में कहते हैं इकरारनामा। तो गिरमिट का सही अर्थ हो जाएगा इकरारनामा, करार भी कह सकते हैं। फिर कितने वर्ष का अनुबंध किया जाता था? तो अनुबंध किया जाता था 5 साल का। यानी 5 साल तक जिसके साथ अनुबंध हो गया वो व्यक्ति उसी के यहाँ बंधुआ रहेगा, उसको छोड़ नहीं सकता। अनवेलकम विजिटर शीर्षक से अफ्रीका के अखबारों में सुर्खियों में कौन रहा था? तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा है कि गांधी जी की जो पगड़ी है गांधी जी ने मजिस्ट्रेट के सामने उतारी नहीं, और इसके कारण ये काफ़ी सुर्खियों में आ गई। तो गांधी जी की पगड़ी अनवेलकम विजिटर थी। अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी को किसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ा? गांधी जी ने जब दादा अब्दुल्ला का मुकदमा अपने हाथों में लिया तो उन्होंने देखा कि मुकदमा जो है बहुत ही पेचीदा है, और इसमें जो अकाउंट्स के बहुत सारे सवाल इनको देने पड़ेंगे, अदालत में जवाब देना पड़ेगा। तो इन्होंने बहीखाता जो है इसका अध्ययन किया अफ्रीका के अंदर, और उसके बाद में अफ्रीका में अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा किससे चल रहा था? यानी मुकदमा वो मेमन फर्म जो थी वो किससे मुकदमा लड़ रही थी? तो तैयब सेठ जो थे, तैयब सेठ इनके रिश्तेदार भी थे, और रिश्तेदारों में लड़ाई हो ही जाती है, तो तैयब सेठ से इनका मुकदमा चल रहा था, और 40,000 पाउंड का मुकदमा था ये। याद रखनी अपने को फिगर कि मुकदमे की राशि कितनी थी, 40,000 पाउंड। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को जिस स्टेशन पर उतार दिया गया, कई बार बता दिया मैंने, पीटर मैरिसबर्ग वो स्टेशन है, और पीटर मैरिसबर्ग जो है नटाल प्रदेश की राजधानी है। यानी सवाल में सवाल है। अब इसमें आपको ये ध्यान हो गया कि पीटर मैरिसबर्ग कहाँ पे है, नटाल प्रदेश की राजधानी है, क्यों उतार दिया गया, रंग भेद के कारण, कब उतारा गया, रात के समय। तो इस तरह से एक सवाल के साथ 3-4 चीज़ याद रखोगे, बहुत फ़ायदा होगा परीक्षा में। उसके बाद में अगला सवाल ले लेते हैं, जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया के बीच गांधी जी ने ट्रेन के कौन से दर्जे में यात्रा की थी? ये भी बता दिया मैंने, प्रथम दर्जे में यात्रा की थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने टिकट देते टाइम ये कह दिया था कि यदि रास्ते में गार्ड उतार देता है तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, आप मेरी शिकायत नहीं करेंगे। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास पुस्तक के लेखक का नाम। अब दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, और इन्होंने ही उसको विस्तार से लिखा है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद में ईसाई धर्म में गांधी जी को क्या समस्या थी? ईसा ही ईश्वर का पुत्र है, केवल ईसा की कृपा से मुक्ति संभव है, आत्मा केवल मनुष्य में अन्य में नहीं। तो तीनों ही चीज़ें समस्या वाली है। ईसाई अगर ईश्वर का पुत्र है तो अन्य कौन है, तो ये गलत हो गया। फिर गांधी जी ने कहा ईसा की कृपा से ही मुक्ति संभव है, तो अन्य धर्म वाले तो कभी मुक्ति नहीं होंगे। आत्मा केवल मनुष्य में अन्य में नहीं, तो इसका मतलब अन्य जीवों से मन चाह व्यवहार करो। तो गांधी जी ने कहा तीनों ही चीज़ गलत है, तो उपयुक्त सभी। गांधी जी को रात में घूमने में बाधा न पड़े इसके लिए सिफारिशी पत्र किसने दिया? तो प्रिटोरिया में कानून था कि रात को 9 बजे के बाद में हिंदुस्तानी
या ब्लैक स्किन वाला कोई भी व्यक्ति बिना परमिट के बाहर नहीं घूम सकता। तो गांधी जी ने ये समस्या जो अपने मित्र मिस्टर कोट्स के साथ में डिस्कस की, और कोट्स ने डॉक्टर क्राउन से एक ऐसा पास बनवा दिया उनको जिसमें पुलिस वाले उनको परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद में फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने के लिए किन संस्था का गठन हुआ, तो ये संस्था नटाल कांग्रेस थी। हमने पढ़ा इसके बारे में, नटाल कांग्रेस का गठन हुआ था 1894 के अंदर, और इसने एक संस्थागत रूप से फ्रेंचाइजी बिल का विरोध किया। और फ्रेंचाइजी बिल में प्रावधान था कि भारतीय जो है वो मताधिकार से वंचित कर दिए गए, यानी वोट देने से वंचित कर दिए गए। गांधी जी के पिता किस रियासत के दीवान रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत पहले डाला था मैंने शुरू में। तो राजकोट के भी रहे हैं, पोरबंदर के भी रहे हैं, बाकानेर के भी रहे हैं। इसका मतलब उपयुक्त सभी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद में आगे चलते हैं। नटाल कांग्रेस का गठन अभी बताया मैंने 1894 में जो है बैठक हुई थी सेठ अब्दुल्ला के घर पे, और हाजी मोहम्मद हाजी जो है वो उसमें अध्यक्ष थे। और वहाँ पर गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि नाटाल कांग्रेस का गठन किया जाए, यानी कांग्रेस का गठन किया जाए, संस्था का गठन किया जाए। उसका नाम उन्होंने कांग्रेस सुझाया था, और वहीं से इस कांग्रेस का जन्म हुआ। गांधी जी के अनुसार किसके अभाव में राजनीतिक संस्था प्रतिष्ठा रही तो और गंदी हो जाती है, तो गांधी जी ने पैसों का हिसाब किताब जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से रखा। और इसमें आंसर भी यह आएगा कि हिसाब किताब की शुद्धता अगर नहीं रहेगी तो संस्था गंदी हो जाएगी, प्रतिष्ठा रहित हो जाएगी, संस्था में भ्रष्टाचार हो जाएगा, संस्था की नाक है। गांधी जी ने कहा कि हिसाब किताब की शुद्धता किसी भी संस्था की नाक है, हिसाब किताब की शुद्धता सबसे पहले। इसके बाद में गांधी जी के सामने पगड़ी उतार कर कौन आया, तो ये भी पहले करवा लिया अपने क्वेश्चन कि गांधी जी के सामने बाला सुंदरम मद्रास प्रांत का एक गिरमिट था, वो अपनी पगड़ी उतार कर सामने आया क्योंकि उसके मालिक ने उसे पिटा था और गांधी जी से वो मदद चाहता था। गांधी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इसलिए प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने प्रथा के अनुसार उसने अपनी पगड़ी उतार कर रख दी। मुंबई में प्लेग फैलने पर गांधी जी ने सर्वाधिक जोर किस बात पर दिया, तो गांधी जी प्लेग कमेटी की बैठक में शामिल थे कमेटी के अंदर, तो उन्होंने, क्यों गांधी जी का जहाँ नाम आता है इस तरह के मामलों में, गांधी जी हमेशा सबसे गंदी जगह जो होती है यानी पखानों की सफाई, उस पे उन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि जो आदमी चीज़ छिपा के रखता है वहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है। तो उन्होंने देखा कि जो धनी लोग थे, जो इलाइट क्लास थे, उनके पखाने सबसे ज़्यादा गंदे थे, और जो पखानों की सफाई करने वाले मजदूर लोग थे उनके घर में सबसे ज़्यादा सफाई थी। इसके बाद में हिंदुस्तान क्या सिखाता है, इस पुस्तक के लेखक, तो ये किताब मैंने कई बार चर्चा कर दी है कि हिंदुस्तान क्या सिखाता है, ये पुस्तक मैक्स मुलर की है। रस्किन की पुस्तक आपको याद रखनी है कि अनटू द लास्ट रस्किन की पुस्तक है। लियो टॉलस्टॉय जो है, परमात्मा आपके हृदय में है, बैकुंठ आपके हृदय में है, ये लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है। उसके बाद में थॉमस मूर की यूटोपिया है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है इस किताब में। दूसरी बार अफ्रीका यात्रा के दौरान गांधी जी अपने साथ परिवार के कितने सदस्य लेके गए थे, तो गांधी जी जब पहली बार अफ्रीका गए थे उस समय तो वो अकेले गए थे, लेकिन जब दूसरी बार गए तो वो अपने साथ में चार लोगों को लेके गए। एक तो कस्तूरबा, उनकी वाइफ, दो बेटे मणिलाल हरिलाल, और चौथा जो है उनकी बहन का लड़का, जो विधवा बहन थी उसका लड़का साथ में गया था। इसके बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं, और 28 का क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के अखबार की सुर्खियां क्यों बने। तो पहली बार तो पगड़ी के कारण बने, दूसरी बार बने कि जब उनको वकालत करने की स्वीकृति मिल गई मिस्टर एस्केम्प की अदालत से, तो वो सुर्खियों में आ गए। हालांकि गोरे वकीलों ने खूब कोशिश की, लेकिन अदालत ने स्वीकृति दे दी, वहाँ के जो हाई कोर्ट है उन्होंने स्वीकृति दे दी कि कोई कारण नहीं है, गांधी जी
के पास बैरिस्टर की डिग्री है, मूल डिग्री उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट में जमा करा रखी है, उसका प्रमाण पत्र वो दे रहे हैं, तो फिर हमें उनको वकालत करने से नहीं रोकना चाहिए। गांधी जी के अनहार मंडली के अध्यक्ष, तो गांधी जी जब विद्यार्थी थे विलायत में, तो उन्होंने एक अनहार मंडली बनाई थी, यानी शाकाहार को बढ़ावा देने वाली मंडली, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ओल्डफील्ड, डॉक्टर एलिसन वहाँ पे सेक्रेटरी थे, डॉक्टर मेलसन। ये एक पुस्तक है भारत में विद्रोह 1857 का, और उसके लेखक हैं ये। उसके बाद में बोर युद्ध में गांधी जी के एम्बुलेंस टुकड़ी द्वारा दी गई सेवा के बदले में गांधी जी को कौन सा मेडल मिला, तो ये क्वेश्चन भी मैंने पहले पूछा है। तो ये क्वीन साउथ अफ्रीका मेडल है, जो गांधी के साथ में 36 और लोगों को दिया गया। फिर कुरलैंड और नादरी किन के नाम है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान होगा, कुरलैंड और नादरी जो हैं, कुरलैंड के बारे में चर्चा की थी हमने कि अब्दुल्ला का जहाज़ था जिसके ऊपर दूसरी बार जब गांधी जी गए अपने परिवार के साथ में, तो वो कुरलैंड पे सवार थे, और नादरी भी साथ साथ जा रहा था। तो ये दो जो हैं जहाज के नाम है जो साउथ अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी को डरबन के बंदरगाह पर कितने दिन तक नहीं उतरने दिया, जहाज पहुंच गए अफ्रीका, उस समय महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था और अफ्रीका के अंदर इसको सूतक मानते हैं, और 23 दिन तक जो है जहाज को रोका जाना था, लेकिन 18 दिन की यात्रा हो गई थी समुद्र में, तो 5 ही दिन रुकना चाहिए था जहाज को बंदरगाह पे, लेकिन जहाज को रोका गया 22 दिन, और 23वें दिन परेशान होकर के ये वापस नहीं आए। रोका इसलिए था कि ये लोग वापस चले जाएंगे हिंदुस्तान, लेकिन वापस नहीं आए, खड़े रहे वहाँ पे। तो 23वें दिन जहाज से इनको उतरने की अनुमति दी गई। गांधी जी के अनुसार लोक सेवा के आग्रही को, यानी जो लोक सेवा सार्वजनिक सेवा करना चाहता है, को किस धर्म में तत्पर होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, गृहस्थी होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए, उसे वानप्रस्थी होना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है ये। वानप्रस्थी से मतलब वो समाज में रहे और अपने अनुभवों का लाभ समाज को देता रहे। गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध सवाल है ये कंपटीशन का। तो गांधी जी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, बेलगांव 1924, कर्नाटक के बेलगांव में अध्यक्ष रहे हैं गांधी जी। लॉर्ड कर्जन के दरबार के समय गांधी जी कोलकाता में कहाँ ठहरे थे, तो कर्जन ने दरबार लगाया था, 1905 की बात है ये, और ये दरबार जब लगा था तो गांधी जी हिंदुस्तान आए हुए थे उस समय अफ्रीका से, और वो इंडिया हाउस में रुके थे, और इंडिया हाउस में उन्होंने एक राजा के बारे में लिखा है कि वो राजा जो है वो चमचमाते हुए को, जो अपने पुराने राजाओं की तरह की वेशभूषा है वो पहने हुए था। गांधी जी अब आश्चर्य के साथ उसके पास गए, बोले कि आप और दिन तो बंगाली कपड़े पहनते हो, आज ये किस लिए ऐसे अनोखे कपड़े, तो बोले कि हमारी मजबूरी है, अगर हम साधारण कपड़ों में वायस राय के पास चले जाएंगे दरबार में तो हमें दंडित किया जाएगा। गांधी जी को बड़ा दुख हुआ कि इनको क्या क्या दिखावे करने पड़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की बातों में किस व्यक्ति के लिए सम्मान पल पल झलकता था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद महादेव रानाडे। गोविंद महादेव रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले बात बात में बार बार उनका उदाहरण देते थे। न्यायमूर्ति रहे थे गोविंद महादेव रानाडे, समाज सेवी थे। काला ज्वर से पीड़ित होने पर महात्मा गांधी के बेटे का नाम क्या है, जो काला ज्वर से पीड़ित हो गया था जब ये बम्बई में थे, तो जो बेटा इनका बीमार हो गया था वो मणिलाल था, उस समय 10-11 साल की आयु थी इसकी, और उन्होंने इसकी चिकित्सा अपने हिसाब से की थी। डॉक्टर ने इसको अंडे और मांस खिलाने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, बोला कि मैं इस तरह की चिकित्सा नहीं काम में ले सकता। दक्षिण अफ्रीका में परवाना का मतलब परमिट है, किस नए विभाग की स्थापना हुई, तो वो विभाग था एशियाई विभाग। परवाना देने के लिए जो विभाग की स्थापना हुई खास तौर से भारतीयों के लिए और जो एशिया से जा रहे थे उनके लिए, एशियाई विभाग की स्थापना हुई।
बीमा एजेंट ने गांधी जी को कितने का बीमा कराने का लालच दिया? गांधी जी उस समय तो व्यवहारिक बात करते थे और 10,000 रुपये की बात थी ये कि 10,000 रुपये का बीमा कराने का उन्होंने उकसाया कि भाई आपका परिवार है और आगे भविष्य का कुछ पता नहीं है, आप बीमा करवाना चाहिए और करवाना भी चाहिए। लेकिन गांधी जी चूँकि बाद में इनके विचारों में गीता का प्रभाव आया तो इन्होंने सोचा कि मैं अगर ईश्वर पे विश्वास करता हूँ तो मुझे बीमा पे विश्वास न करके उस परम सत्ता पे विश्वास करना चाहिए कि सब कुछ ठीक ही होगा। गिरगांव को छोड़कर गांधी जी ने मुंबई में अपना जो नया घर लिया, नया आवास लिया, वो कहाँ पर लिया? बोरीवली, सांता क्रूज, चौपाटी, नवी मुंबई, सब मुंबई में ही है ये। और गांधी जी ने जो घर लिया वो सांता क्रूज में लिया और ऐसी जगह ली जो समुद्र के भी पास हो, शांति प्रिय हो। उसके बाद में अपनी पंजाब यात्रा में गांधी जी कहाँ रुके? तो गांधी जी को पंजाब में जल्दी से तो जाने नहीं दिया। फिर अक्टूबर के अंदर, जब अप्रैल के अंदर जलियांवाला बागकांड हो गया, तो इन्होंने बहुत कोशिश की जाने की लेकिन इनको अनुमति मिली अक्टूबर में जा कर के। और ये लाहौर रायचंद भाई जो हैं, राय रायज दत्त चौधरी के घर पे जा कर के रुके थे। किसने कहा था, स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा टंग नहीं अपितु मन है? यानी स्वाद जो है उसका वास्तविक स्थान जीवा नहीं है, जीव नहीं है, बल्कि क्या है, मन है। यानी मन है, इसका मतलब कि जो हमारे लिए उपयोगी चीज़ है वही हमें स्वादिष्ट लगनी चाहिए। और ये बात कही थी गांधी जी ने, अन्नाहार के संबंध में कही थी ये बात। गांधी जी के गले में पहनने वाली कंठी को तोड़ देने का आग्रह किसने किया? तो जो गले में कंठी पहनी थी गांधी जी ने, उसको तोड़ने का आग्रह विलायत अफ्रीका के अंदर जो मिस्टर कोट्स थे उनसे गांधी जी का परिचय हुआ और उन्होंने गांधी जी को ईसाई धर्म के अंदर काफ़ी कुछ तब्दील होने के लिए बार बार प्रेरित किया। हालांकि बहुत अच्छे थे और गांधी जी को जैसे परमिट वगैरह भी दिलवाया रात को घूमने का, लेकिन गांधी जी को ईसाई धर्म से प्रभावित करने के लिए भी कोट्स ने काफ़ी कोशिश की। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मिस्टर कोट्स। इसके बाद में नटाल अदालत में गांधी जी की वकालत का गोरे वकीलों द्वारा विरोध किए जाने का क्या कारण था? तो इस पे अपन ने चर्चा कर ली है। और गोरे वकील की फीस मारी जाती, मुवक्किल कम हो जाते, गांधी जी गोरे को सजा दिलाते, ये कारण नहीं थे। कारण था कि उनके प्रभुत्व को चुनौती थी कि गोरों की अदालत में गोरों का केस और काला व्यक्ति लड़ रहा है, तो ये गोरों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। इसलिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि गांधी जी को वकालत का अधिकार नहीं मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गांधी जी को प्रिटोरिया के अंदर केस लड़ने की अनुमति मिल गई। फ्रेंचाइजी बिल पास होने के बाद में हिंदुस्तानियों में क्या परिवर्तन आया? फ्रेंचाइजी बिल पास होने के बावजूद, यानी फ्रेंचाइजी बिल जो था वो तो पास हो गया, लेकिन उसके बाद भी, हारने के बाद भी हिंदुस्तानियों में क्या परिवर्तन आया? और वो परिवर्तन था कौम के प्रति चेतना, यानी कि अपने अधिकारों के प्रति, अपने समाज के प्रति एक चेतना जागृत हुई। गिरमिटिया प्रथा समाप्त नहीं हुई, हिंदू मुस्लिम एकता व शोषण में कमी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि भारतीयों को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढे जाने लग गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौम की चेतना में वृद्धि। उसके बाद में मुंबई से राजकोट की यात्रा में वढ़ावण स्टेशन पर किस प्रसिद्ध समाज सेवी ने गांधी जी का स्वागत किया? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। और गांधी जी का स्वागत किया था मोतीलाल भाई ने। तो मुंबई से राजकोट पहली बार जब गांधी जी ये यात्रा कर रहे थे तो वढ़ावण स्टेशन के ऊपर उतरे, और ये मोतीलाल भाई है, दर्जी का काम करते थे। और इनके बारे में कहा जाता था कि पूरे दिन में 1 घंटे ये सिलाई का काम करते और बाकी का पूरा टाइम समाज सेवा के लिए देते। इसके बाद में दीन बंधु की उपाधि किसे प्राप्त थी? बहुत ही बढ़िया सवाल है, पूछा हुआ है मैंने, और ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा सी एफ एंड्रयूज।
सी एफ एंड्रयूज इसका सही सवाल है। और सी एफ एंड्रयूज के साथ एक सवाल और भी था हमारा कि सी एफ एंड्रयूज की त्रिमूर्ति कौन कौन बताई थी मैंने। अगर किसी को ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि गांधी जी ने सी एफ एंड्रयूज की त्रिमूर्ति बताई थी। तीन लोग बताए थे जो सी एफ एंड्रयूज की तरह ही उदार दिल के थे। उसके बाद में आगे चलते हैं, भारत में गांधी जी ने किस विजय को सत्याग्रह की नींव मानना है, यानी किस विजय से सत्याग्रह की शुरुआत मानी गई है। खेड़ा विजय से, वीरमगाम, चुंगी समाधान, मिल मजदूर आंदोलन, चंपारण विजय। तो वैसे भी इसको ध्यान में रखना है अपने को कि सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी को जो पहली सफलता मिली भारत में वो थी वीरमगाम चुंगी समाधान। और वीरमगाम चुंगी के लिए मोतीलाल जी जो इनको मिले थे वगावन स्टेशन के ऊपर, उन्होंने कहा कि वीरमगाम चुंगी जो है, चुंगी की जो जकात की जो समस्या वो बहुत ज़्यादा हो गई है और आप हमें इससे मुक्ति दिलाओ। तो गांधी जी ने चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा, उसके बाद में वाइस राय से जाके मिले, इस तरह से कई तरीके से दबाव बनाया। और फिर अंत में वाइस राय ने घोषणा कर दी कि वीरमगाम की जो जकात है वो समाप्त कर दी गई है। तो गांधी जी ने लिखा है, सत्याग्रह की जो नींव है वो भारत में पड़ी वीरमगाम चुंगी से, इसकी समस्या को दूर करके। काका साहब कालेलकर से गांधी जी की पहली मुलाकात कहाँ हुई? तो गांधी जी जब भारत आए थे 1903 के अंदर, तो यहाँ शांति निकेतन में इनकी मुलाकात हुई काका साहब कालेलकर के साथ। और काका साहब कालेलकर प्रसिद्ध हस्ती, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। और जो हमारे संविधान का पहला रिव्यू किया गया उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले राज्यों की समस्या पे काका कालेलकर साहब एक कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो निम्न में से कौन सा आश्रम गांधी जी द्वारा स्थापित नहीं है? फिनिक्स आश्रम 1904 में किया था, टालस्टाय 1910 में किया गया था, सत्याग्रह 1915 में किया था। इनको याद रखना अपने को, ये 1904 का है, ये 1910 का है, ये 1915 का है। गुरुकुल कांगड़ी श्रद्धानंद जी के द्वारा स्थापित है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये मार्च 1930 में शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930। और दांडी यात्रा के द्वारा मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई। 6 अप्रैल को ये लोग पहुंच गए दांडी और वहां पर इन्होंने नमक बनाया समुद्र के तट पे। तो इसकी शुरुआत उस तरीके से देखें तो 6 अप्रैल से मानी जाएगी। रोलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली में हड़ताल किस तारीख को हुई? तो इसके बारे में चर्चा की थी कि दिल्ली पहले हड़ताल की तारीख 30 मार्च मुकर्रर हुई थी, फिर बदल के 6 अप्रैल करती, लेकिन दिल्ली में हड़ताल 30 मार्च को ही हो गई थी। उसके बाद में अहिंसावादी होकर हमें हथियार उठाने को क्यों कहते हैं, इस तरह के वाक्य गांधी जी को कब सुनने पड़े? इस तरह के वाक्य सुनने पड़े गांधी जी को जब वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना के लिए रंग रूटों की भर्ती कर रहे थे। पाटीदार समुदाय का संबंध किससे है? तो ये हमने पढ़ा था कि खेड़ा सत्याग्रह का संबंध पाटीदार समुदाय से है। काशी में किस महान विदुषी के दर्शन गांधी जी ने किए? तो काशी में श्रीमती एनी बेसेंट के दर्शन किए। उस समय एनी बेसेंट बीमार थी, गांधी जी उनसे मिले। गांधी ने मणिलाल की चिकित्सा किस पद्धति से की है? तो ये इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। प्राकृतिक चिकित्सा थी, जल चिकित्सा थी, गांधी जी ने जल चिकित्सा से और मणिलाल की चिकित्सा की। असहयोग नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे विजय राघव चार्य। नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे विजय राघव चार्य। और उससे पहले इसके ऊपर चर्चा हो गई थी कलकत्ता अधिवेशन में, और कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत का प्रस्ताव भी पारित हुआ था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ब्रह्मचारी का स्वाभाविक आहार गांधी जी ने क्या बताया है? तो ब्रह्मचारी के लिए स्वाभाविक आधार आहार जो है गांधी जी ने बताया है फलाहार। उसके बाद में अपनी धुलाई कला का प्रमाण गांधी जी ने किससे हासिल किया?
तो अपनी धुलाई कला का प्रमाण गांधी जी ने अपने गुरु यानी गोपाल कृष्ण गोखले से हासिल किया। गांधी जी के अनुसार सार्वजनिक संस्थाओं की प्रामाणिकता और लोकप्रियता की कसौटी क्या है? तो उसकी कसौटी उसके सदस्यों की संख्या नहीं है, उसकी संपत्ति नहीं है, अधिवेशन में उपस्थित भीड़ नहीं है, बल्कि उसको मिलने वाला चंदा है। क्योंकि यदि वो लोकप्रिय होगी तो लोग उसे चंदा देंगे, और चंदा देने का मतलब है कि वो लोकप्रिय है, अभी लोग जाते हैं कि वो ख़त्म न हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मॉडल पेपर नंबर आप 2 मान सकते हैं, जिसमें पूरे 60 क्वेश्चन थे, और सभी लेसन से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, कठिन भी हैं, सरल भी हैं। आप अपने आप को तैयार करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।